प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में आयोजित गुरुपर्व समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा, कोरोना के कठिन समय में हमारे गुरुद्वारों ने जिस तरह सेवा की जिम्मेदारी उठाई वो गुरु साहब की कृपा और उनके आदर्शों का ही प्रतीक है। आप देखिए, जब देश जात पात और मत मतांतर के नाम पर कमजोर पड़ रहा था, तब गुरु नानक देव जी ने कहा था, जानहू ज्योति न पूछू जाती, आगे जात न है, अर्थात सभी में भगवान के प्रकाश को देखें, उसे पहचाने, किसी की जाति न पूछिए, क्योंकि जाति से किसी की पहचान नहीं होती, न जीवन के बाद की यात्रा में किसी की कोई जाति होती है। इसी तरह गुरु अर्जुन देव जी ने पूरे देश के संतों के सद्विचारों को पिरोया और पूरे देश को भी एकता के सूत्र में जोड़ दिया। गुरु हरकिशन जी ने आस्था को भारत की पहचान के साथ जोड़ा। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहब में उन्होंने दुखी लोगों का रोग निवारण कर मानवता का जो रास्ता दिखाया था, वो आज भी हर सिख और हर भारत के वासी के लिए प्रेरणा है। कोरोना के कठिन समय में हमारे गुरुद्वारों ने जिस तरह सेवा की जिम्मेदारी उठाई, वो गुरु साहब की कृपा और उनके आदर्शों का ही प्रतीक है। यूपी के कानपुर में रहने वाले इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर और ठिकानों से अब तक करीब 177.45 करोड़ रुपए कैश में बरामद किए जा चुके हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी कैश बरामदगी बताया। आज लखनऊ में नूतन ऑफसेट मुद्रण केंद्र भारती भवन राजेंद्र नगर पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर निःशुल्क कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा प्रदेश के पूर्व गृह व वन पर्यावरण मंत्री राजेंद्र त्रिपाठी प्रयागराज झांसी के बबीना से बसपा के पूर्व विधायक कृष्णपाल सिंह राजपूत लखनऊ निवासी सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी व पूर्व एडीजी गुरुचंद लाल बिजनौर निवासी रालोद के प्रदेश महामंत्री मुनिदेव शर्मा समेत अन्य अपने समर्थकों सहित भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली में कोरोना गाइडलाइन तोड़ने वालों से वसूला गया जुर्माना। दिल्ली में 2 दिन में 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया। नए सत्र से लखनऊ विश्वविद्यालय सीतापुर में अपने तीसरे परिसर की शुरुआत करेगा। इसमें वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट के कोर्स शुरू होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों शराब दहेज प्रथा बाल विवाह के खिलाफ समाज सुधार अभियान पर जोर दे रहे हैं। इस बीच उनकी पार्टी जदयू ने दिल्ली में भी समाज सुधार अभियान खासकर शराबबंदी को लेकर अभियान चलाने की घोषणा कर दी है। भारत में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश भर में अब तक 415 मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने चेताया है कि अगर कोरोना के लिए जारी दिशा निर्देशों का लोगों द्वारा पालन नहीं किया गया तो स्थिति बेहद खराब हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि जिन राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं या वैक्सीनेशन रेट कम है, वहां सेंट्रल टीमें तैनात की जाएंगी। नोएडा में आग की लपटों ने 2 परिवारों के जलते चिराग बुझा दिए। इस हादसे में 2 मासूमों की जान चली गई तो वहीं एक बच्चा गंभीर स्थिति में सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती है।
दुबई में हुए एक नॉन फंजिबल टोकन ऑक्शन में 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा हस्ताक्षरित एक बैट की बिक्री $25,000 में हुई है, जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपनर डेविड वॉर्नर की 2016 IPL विनिंग सनराइज हैदराबाद की एक जर्सी की बिक्री $30,000 में हुई है। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।